नमस्कार दोस्तों, इंदौर शहर जो कि खाने पीने के नाम से बहुत ही मशहूर है और खाने पीने की चीजों के अलावा यहाँ पर घरेलू खाने पीने की चीजों के लिए भी ये बहुत फेमस है। आज हम आए हैं श्रद्धा जी के घर पर, जो घर से ही इस तरह अपना जो किचन चलाती हैं, जिसका नाम भी उन्होंने रखा है श्रद्धा किचन। उनका कहना है कि ये अन्नपूर्णा देवी की कृपा है और ठाकुर जी की कृपा है, जिसके कारण इनको इतनी सक्सेस मिली है केवल घर से ऑपरेट करते हुए। तो आइए हम बात करेंगे श्रद्धा जी से और उनके जो भी बनाई हुई व्यंजन हैं, जो कितने स्वादिष्ट बनते हैं, किस तरह वो इसमें अपने घर से अपनी चीजों को बहुत अच्छी तरह से बनाती हैं, हम उनसे बात करके देखेंगे। क्या खासियत है ये आप देख रहे हैं, मूंग की दाल। मूंग की दाल बाजार में भी मिलती है पर इतनी क्रिस्प मैंने अभी खा के देखी है, पर मैंने आज तक इतनी क्रिस्प दाल नहीं खाई है। साथ ही इनका चना दाल, श्रद्धा जी चना दाल में क्या खूबी है आपकी? मेरी खूबी यह है कि ये एक तो बेहद क्रिस्पी है और इसकी स्पेशलिटी स्पेशल हींग इसमें डलता है। स्पेशल हींग का स्वाद आता है, स्पेशल हींग वाली चना दाल में हींग का जो स्वाद आता है उससे और ये स्वादिष्ट बनती है। और श्रद्धा मसाले भी मैं अपने खुद ही प्रिपेयर करते हैं। आपने बताया था कि केला चिप्स भी आपके बहुत मतलब टेस्टी होते हैं और बहुत थिन और या बहुत पतले होते हैं। और ये भी दो फ्लेवर में है, एक चटपटा फ्लेवर है और एक चिली फ्लेवर भी होता है इसका। अच्छा अच्छा, इसके साथ साथ आप सेव भी बनाते हैं? हाँ, घर का सेव होता है जी। चकली भी है, चकली है, मठरी है, मीठा शकरपारा है जी, नमकीन मठरी, सादी मठरी दोनों है। मिठाइयों में अभी फिलहाल मेरे पास लुकती बनी हुई है घर की जी। मैं त्योहारों के हिसाब से भी मिठाइयाँ बनाते हूँ और स्पेशल आपके टेस्ट के अनुसार भी मैं अकॉर्डिंग आपका काम करके देती हूँ। अच्छा अच्छा, ये मतलब जैसे कस्टमर्स की टेस्ट होती है और उस हिसाब से आप ऑर्डर करती हैं। और एक और मेरी खासियत ये है कि मैं इसमें व्यक्ति को फ्रेश देती हूँ कि मेरे पास मतलब बना हुआ नहीं रहता है। आपको अच्छा, ऑर्डर आएगा फिर मैं आपको तब बनाना चालू करते हैं और फिर बना, क्योंकि मैं बाजार से अपने आप को थोड़ा डिफर करते हैं। अच्छा, ये बताएंगे ये बाजार से कितने मतलब प्राइस वाइज कितने कॉम्पिटिटिव हैं या कितने इसमें थोड़ा सा व्यक्ति को चूंकि घर का टेस्ट है कितना अधिक देना पड़ता है? यदि मूंग की दाल कहें तो करीब 300 रुपीज अ केजी, तो इट इज रीजनेबल। एंड हाउ अबाउट चना दाल? चना दाल जरूर 400 रुपीज है मेरा। हाँ हाँ, और चिप्स? चिप्स मेरा 300 रुपीज केजी है। ओके, तो देखिए दोस्तों, घर की बनी हुई शुद्ध चीजें और थोड़े से दाम यदि आपको जाना भी देना पड़े पर लोग इसको बहुत इनको पसंद करते हैं। तो आइए हम श्रद्धा जी से अपनी बातें जारी रखेंगे। इनकी प्रेरणा, इन्होंने जैसे बताया था कि इनकी बेटियां हैं तो बेटियों से भी बात करेंगे। तो श्रद्धा किचन की, जैसे हमने श्रद्धा मेहता जी से बात किए, उन्होंने बताया कि मेरी प्रेरणा की स्रोत हैं मेरी दोनों बेटियां। ये दोनों बेटियां दे आर प्रोफेशनल ऑल्सो, प्रोफेशनल स्टडीज में है एंड वैदेही इज ऑलरेडी, यू आर डूइंग व्हाट? यू आर डूइंग सीएसआईटी। ओके, सो बट साथ ही साथ ये घर की प्रिपरेशन में इनका क्या रोल होता है हम वो भी बताएंगे। श्रद्धा किचन की श्रद्धा जी ने बताया छोटी बेटी जो है वो आपकी आस्था है जी। तो आस्था, आपका क्या रोल होता है इसमें? पैकेजिंग और हेल्थ में, तो पैकेजिंग में जाती है, देन उसका पूरा अकाउंटिंग, मनी कैसे हैंडल करना है ऑल। मतलब कमर्शियल एंगल यू टेक केयर, प्रेजेंटेशन। और आपने बताया आपकी कॉलेज में भी आपने नहीं, कॉलेज में मैं प्रोडक्ट्स तो नहीं लेके जाती, लेकिन मैंने टेक दीज थोड़ा थोड़ा टिफिन में कभी इन योर टिफिन, माय फ्रेंड्स लव इट, वो बोलते हैं कि बहुत ही टेस्टी है, फिर दे टेल दैट टू देयर फैमिली, उनको बताते हैं। तो ने बनाई हुई चीजें हम अब टेस्ट करके भी देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मूंग दाल, मूंग दाल जो बहुत ही क्रिस्प बनती है। लेट्स टेस्ट इट।
बहुत अच्छी है। रियली बता रहा हूँ कि मैं मूंग दाल खाता हूँ बाहर से, उसमें यही ढूंढता हूँ कि क्रिस्पनेस होना चाहिए। और आपने इसमें बताया था कि चना दाल जो होता है उसमें हींग का टेस्ट आता है, तो देखें टेस्ट करके। बिल्कुल सही है, बारिश का मौसम है उसके बाद भी आपकी चना दाल और मूंग दाल बहुत ही क्रिस्प है। साथ ही इनकी जो स्पेशलिटी है वो है केला चिप्स, तो केला चिप्स इज ऑल्सो टू गुड। पेपर केला चिप्स जो है मेरा वो बहुत ही क्रिस्पी है और साथ में इसमें जो दो फ्लेवर है इसको विशेषकर बच्चे बहुत पसंद करते हैं। जो छोटे बच्चों की मदर्स हैं वो बहुत लाइक करती है, हमारे बच्चे बाहर की चीजें खाएं उससे बेटर है कि हम इसको खिलाएं, क्योंकि इसमें जो मैं ऑयल यूज करती हूँ, एक ऑयल बहुत अच्छे किस्म का यूज करती हूँ और इस ऑयल को मैं रीयूज नहीं करती। दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो जैसा कि आपने बताया था कि प्योरिटी, हाइजीन और टेस्ट ये आपकी यूएसपी है, और वो मुझे आपके सारे प्रोडक्ट्स में या सारी जो स्नैक्स के आइटम है उसमें टेस्ट करने के बाद मुझे जो जितने भी आइटम्स में मोयन डलता है वो शुद्ध घी का। अच्छा। यस, उसमें किसी प्रकार का कोई और घी या इस तरह का और नहीं, तो शुद्धता है, तो शुद्धता के हिसाब से ही मैं सब कुछ ये करती हूँ। बस अब आपका ठेकला हम खा के देखेंगे कि श्रद्धा मेहता बनाती हैं। यहाँ तक ये थेपला इन्होंने बताया कि अमेरिका तक भेजा है इन्होंने कई बार, मैं टेस्ट करके देख रहा हूँ। पर श्रद्धा जी बताएं इसमें आप क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं? इसमें अपने घर का शुद्ध आटा होता है, गेहूं का आटा, साथ में घर की पीसी हुई लाल मिर्च, नमक, तिल्ली, सूखी मेथी जो मैं घर में सुखाती हूँ। कि इसको एक एक मेथी को अपने हाथ से साफ करके और उसको सुखा के स्टोर करके रखती हूँ, जो साल भर तक उसका उपयोग करती हूँ। प्लस इसके अंदर तिल्ली होती है और प्रिजर्वेशन पर्पज से इसमें हींग डलता है। अच्छा, क्योंकि हम तिल्ली जो आपकी डली है वाकई में मैंने थेपले खाए हैं, पर ज्यादातर मैं कहीं तिल्ली नहीं पा पाती, ये मेरी एक खासियत है, ये खासियत है। इसमें मैं जो हींग डालती हूँ वो प्रिजर्वेशन का काम करती है। अच्छा। तो मैं अदर और कोई प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं शामिल। आपने बताया कि आपके सीजनल अचार भी होते हैं, मैंने मिर्ची का अचार टेस्ट किया। हाँ जी, ये आपका केरी का अचार है, ये केरी का अचार मेरा कौन सा वो सरसों के तेल में मैं बनाती हूँ। हाँ जी, सरसों के तेल में। और केरी की खासियत भी ये है कि मैं केरियां खुद मार्केट जाके खुद चूज करती हूँ, प्लस उसके बाद में उनको वहीं पे धुलवाती हूँ, वहीं पे धुलवा के साफ करके कटवा के फिर मैं अपने घर में सूखे कपड़े पे सुखा के देन उसके बाद उसका अचार प्रिपेयर करती हूँ। उसका मसाला मैं कुछ दिन पहले उसको रेडी करके रख देती हूँ और फिर उस तरीके से सीजनल। अभी सीजन में आपको केरी का अचार मिलेगा, केरी का छौंदा मिलेगा और केरी का मुरब्बा मिलेगा। ठंड का समय रहेगा तो दोस्तों देखा आपने, घर से शुरू किया हुआ, एज ए हॉबी शुरू किया हुआ, इन्होंने व्यावसायिक तौर पे भी इसको श्रद्धा किचन को ले आए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, आई एम श्योर आपने आज लाइक करेंगे। तो यदि लाइक करें तो शेयर भी करें।